नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, ये आपके सामने मैंने स्नेक प्लांट रखे हुए हैं। इसके ढेर सारे नाम हैं, मैं इसके नाम के बारे में चर्चा अभी नहीं कर रही हूं। इस पर मुझे कामीन मिल बंग जी का रिक्वेस्ट आया है कि आप स्नेक प्लांट पर वीडियो डालें, इसकी केयर क्या करनी है, कैसे करनी है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं उनका डिमांड पूरा कर देती हूँ। और आप यहाँ देख रहे होंगे मेरे पास 3 वैरायटी के यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। एक मेरे वहाँ बगीचे में भी लगे हुए हैं, जिसके यहाँ पर स्टेप में येलो वाली लाइन होती है, वो मेरे बाहर में लगे हुए हैं, तो उसको मैं यहाँ नहीं ला पाई हूँ। लेकिन बाकी इसके थ्रू आपको इसकी सारी बातें आपसे मैं शेयर कर देती हूँ। दोस्तों, ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, एक बार लगा लेना है, फिर इसको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हल्की फुल्की जो इसकी केयर होती है उसे मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी केयर इसकी है कि आप इसे पानी पर ध्यान रखें, पानी इसको बहुत कम चाहिए। ये सकुलेंट प्लांट है, अगर बहुत ज़्यादा पानी मिलेगी तो ये इसका रूट रॉट हो जाता है, बहुत जल्दी इसमें रूट रॉट होते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि पानी इसको बहुत कम देनी है। कम देनी है का मतलब है कि आप उंगली से इसको चेक कर सकते हो, जैसे मैं चेक कर रही हूँ तो ये मुझे गीली दिख रही है। जब तक ये अच्छी तरह ड्राई ना हो जाए, यानी इसके पानी एकदम से समाप्त ना हो जाए, तब तक इसको पानी नहीं देनी है। दूसरी चीज़ है, इसको रूट रॉट से बचाना आपकी जवाबदेही बनती है। तो उसके लिए आप क्या करें कि इसकी जो सॉइल रखें वो बहुत अच्छी ड्रेनेज वाली रखें, हो सके तो सॉइल लेस मीडिया अगर आपके पास है तो उसमें भी आप इसको सकुलेंट सॉइल, जो जिसको बोलते हैं, जिसमें कि सॉइल नहीं रख के आप कोकोपीट पीट मॉस वगैरह डाल के बनाते हो, सैंड डाल के बनाते हो, यानी ड्रेनेज इसकी अच्छी रखो, बात बस यहीं तक है। इसमें ज़्यादा पानी किसी भी तरह से इसको बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों, ये जो है इसका ग्रोइंग सीजन जो है समर है, आप देख भी रहे होंगे इसमें ढेर सारे बगल में और पॉप्स निकल गए हैं। तो ग्रोइंग सीजन इसका आपका समर है, तो समर में आप इसको 10-10-10 जो फर्टिलाइज़र आती है, ऑल पर्पज़ फर्टिलाइज़र उसको बोलते हैं, उसको आप इसको दे सकते हैं। दोस्तों, बेहतर होता है, इसके लिए आपको एक चीज़ पर ध्यान देना होगा कि विंटर में आपको पानी बंद ही कर देनी है। अगर आप विंटर में पानी देना चाहते हो तो देख लो, बहुत ज़्यादा ये अगर मुरझाया हुआ लग रहा है, आपको लगे कि पानी की ज़रूरत लग रही है, तभी जाकर दो, नहीं तो विंटर में इसमें पानी ना ही दे तो बेहतर है। साथ ही मैं एक चीज़ और यहाँ आपको मुझे जो दिखाई दे रही है शेयर कर दूँ कि आप देख रहे होंगे एक ये मदर प्लांट था जो उधर घिसकते चला गया, इसके पफ्स इसको धकेलते हुए यहाँ पहुँचा दिए हैं और ढेर सारे पफ्स इसमें से निकल गए हैं। तो इतने नेचुरल है कि इतने ज़्यादा अगर एक जगह रहेंगे तो भोजन की कमी हो जाएगी, इसलिए स्प्रिंग में अगर आप एक्सपर्ट हो तो कभी भी कर सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके प्लांट नए हैं और आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप स्प्रिंग में इसके पॉप्स को इससे अलग करके अलग बर्तन में, अलग पॉट में डाल लें। दोस्तों, इसे रिपोर्ट करना है, मैं नहीं कहती कि रिपोर्ट मत करिए, रिपोर्ट करना है, लेकिन रिपोर्ट करना इसको पसंद नहीं है, इसलिए कोशिश करें कि इसको रिपोर्ट कम करनी पड़े। और रिपोर्ट तब करें जब आपको रूट, ये ड्रेनेज होल से आपको रूट दिखाई दे, तभी इसका रिपोर्ट करें।
साथ ही मुझे एक बात करनी है कि इसके डायरेक्शन हमेशा बदलते रहें। जिस डायरेक्शन में है उसके डायरेक्शन को आप बार बार गमले को बदल कर चेंज कर दें तो इसके लिए अच्छा रहता है। दोस्तों, इसको कम से कम सप्ताह में एक बार डायरेक्शन बदल देनी है तो इसके लिए बेहतर रहेगा। इसको टेम्परेचर जो है कोई ख़ास मतलब नहीं है, ये रूम के अंदर रहने वाला प्लांट है। और सबसे बड़ी बात है कि ये रूम के अंदर अगर आप रखते हो तो ये आपको रूम में जो आपके एयर गंदे एयर हैं उनको ले लेता है, हटा देता है और ऑक्सीजन आपके रूम में भर देता है। इसको 40 डिग्री फारेनहाइट से 85 डिग्री फारेनहाइट तक इसको टेम्परेचर पसंद आता है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, इसके बारे में मैं और एक बात शेयर कर दूँ, वर्षा का जल इसे बहुत पसंद है। अगर वर्षा का जल आप जमा कर सकते हो तो उसको जमा करके दे सकते हो। डिस्टिल्ड वाटर भी पसंद है, उसे भी दे सकते हो। पानी देने में आप डायरेक्ट जड़ पर जो रूट है उसके ऊपर पानी नहीं देकर गमले के किनारे किनारे से आप पानी इसमें डालें ताकि रूट पर ज़्यादा पानी का फोर्स ना आए। और पानी जब आप दें तो पानी आपकी जिस समय आप दे रहे हैं ड्रेनेज होल से वो पानी निकलनी चाहिए, तब तक आप इसमें पानी दें। दोस्तों, सितंबर में आप इसको में 20-20-20 वाली फर्टिलाइज़र का स्प्रे इसके पत्ते वगैरह पर कर दें और इसके बाद इसको जाड़े भर चुपचाप छोड़ दें, इसमें कोई फर्टिलाइज़र ना दें। साथ ही इसके प्रोपगेशन की बात करते हैं तो एक तो आप देख रहे हो कि ये बगल से निकल रहा है उससे लगता है। दूसरी चीज़ मैं आपसे शेयर कर दूँ कि यहाँ आप देख रहे होंगे कटे हुए पत्ते मैंने यहाँ लगाए हुए हैं। ये जो काट करके आप पत्ते लगा देते हो उससे भी ये प्लांट बन जाते हैं, उसी से ये प्लांट बने हुए हैं। साथ ही इसको इंडोर में आप आसानी से रख सकते हो, कोई परेशानी से नहीं है। आप इसको कहीं भी रख सकते हो, छाए में भी रख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में इसको नहीं रखो, नहीं तो इसके टिप्स ख़राब हो जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस आप अगर बहुत सारे प्लांट रखे हो, कुछ प्लांट को लगाकर आप अपने रूम में रखे हो तो उनके साथ भी आप इसको लगा सकते हो। साथ ही इसमें पत्ते पर पानी ना दें, पत्ते पर पानी नहीं देकर आप कॉटन कपड़ा लें और कॉटन कपड़ा लेकर उससे इसके पत्ते को साफ़ किया करें, ये बेहतर रहेगा। आप इसको प्लांटर कोई बनाए हो उसमें ढेर सारे प्लांट लगाए हो तो उसमें भी आप इसको लगा सकते हो। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा ले रही हूँ, लेकिन इसमें ध्यान ये रखनी है कि कम पानी वाला प्लांट एक जगह रखें। जैसे प्लांटर में जब भी लगाएं तो कम पानी वाले एक जगह लगाएं। जैसे आप बगल में देख रहे होंगे मैंने मनी प्लांट डाले हैं, लेकिन इसे ज़्यादा पानी चाहिए इसलिए मैंने इसे प्लांटर में नहीं डाला है। तो इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा ले रही हूँ, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।